उकडीचे मोदक, सामग्री ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल 2 कटोरी, गुड़ 1 कटोरी, चीनी 1 कटोरी, पिसी हुई इलायची 1 छोटा चम्मच, चावल का आटा 1.5 कटोरी, मैदा 1/2 कटोरी, घी 2 बड़े चम्मच, नमक थोड़ा सा, पानी 4 कटोरी। विधि: स्टफिंग के लिए ताजा कद्दूकस किए हुए नारियल, गुड़ और चीनी को नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में डालकर अच्छी तरह भूनें। अब पिसी हुई इलायची मिलाएं। इस मिश्रण को पूरी तरह सूखने दें। अब आंच बंद करें। 4 कटोरी पानी नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में डालें। फिर इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालें और हल्का सा नमक मिलाएं। अब अच्छी तरह उबालें। धीमी आंच करके चावल का आटा और मैदा उसमें अच्छी तरह मिक्स करें। और पैन को ढक दें। अब आंच बंद करें। जब यह लोई थोड़ी ठंडी हो जाए तब अच्छी तरह हाथ से मसलें। फिर लोई के गोले बनाइए। गोले के अंदर मीठा मिश्रण भरें। फिर मोदक का आकार दें। इतनी सामग्री से 15 मोदक बनते हैं। आकार देते समय घी और पानी के घोल में उंगलियां डुबोकर मोदक बनाएं, ताकि मोदक का आकार ठीक से बने और चिपके नहीं। अब स्टीमर गर्म करें और मोदक उसमें डालें। 10 से 15 मिनट तक स्टीम करें। गर्मा गर्म मोदक के ऊपर घी डालकर परोसा जाता है। सामग्री: ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल 2 कटोरी, गुड़ 1 कटोरी, चीनी 1 कटोरी, पिसी हुई इलायची 1 छोटा चम्मच, चावल का आटा 1.5 कटोरी, मैदा 1/2 कटोरी, घी 2 बड़े चम्मच, नमक थोड़ा सा, पानी 4 कटोरी। विधि: स्टफिंग के लिए ताजा कद्दूकस किए हुए नारियल, गुड़ और चीनी को नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में डालकर अच्छी तरह भूनें। अब पिसी हुई इलायची मिलाएं। इस मिश्रण को पूरी तरह सूखने दें। अब आंच बंद करें। 4 कटोरी पानी नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में डालें। फिर इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालें और हल्का सा नमक मिलाएं। अब अच्छी तरह उबालें। धीमी आंच करके चावल का आटा और मैदा उसमें अच्छी तरह मिक्स करें। और पैन को ढक दें। अब आंच बंद करें।
जब यह लोई थोड़ी ठंडी हो जाए तब अच्छी तरह हाथ से मस लें। फिर लोई के गोले बनाइए। गोले के अंदर मीठा मिश्रण भरें। फिर मोदक का आकार दें। आकार देते समय घी और पानी के घोल में उंगलियां डुबोकर मोदक बनाएं, ताकि मोदक का आकार ठीक से बने और चिपके नहीं। अब स्टीमर गर्म करें और मोदक उसमें डालें। 10 से 15 मिनट तक स्टीम करें। गर्मा गर्म मोदक के ऊपर घी डालकर परोसा जाता है।